नवरात्रि स्पेशल व्रत की खीर तो फ्रेंड्स आपने बहुत बार खाई होगी, पर आज मैं व्रत की खीर में एक क्रंची इंग्रेडिएंट का यूज करने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ मैंने एक कटोरी व्रत के चावल ले लिए हैं, जिसे समा चावल, सामक के चावल, संवत चावल या बर्नयार्ड मिलेट भी कहते हैं। इन चावलों को मैंने अच्छी तरह से साफ करके 4 से 5 बार अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मैं इन्हें 1 घंटे के लिए भिगो दूंगी। 1 घंटे बाद मैंने गैस पर एक पैन रख दिया है और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखा है। अब मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी डाल दूंगी। और अब बारी आती है हमारे क्रंची इंग्रेडिएंट की। यहाँ मैंने थोड़े से मखाने लिए हैं, जिसे मैंने बीच में से काट दिया है। अब मैं 1 से 2 मिनट के लिए पैन में डालकर इन्हें रोस्ट कर लूंगी। इससे हमारी व्रत की खीर को बहुत ही क्रंची टेक्सचर मिलेगा। दो मिनट बाद मैं इसमें 8 से 10 चॉप किए हुए बादाम डाल दूंगी और इन्हें भी अच्छी तरह से रोस्ट कर लूंगी। और इसके बाद 8 से 10 चॉप किए हुए काजू इसमें डाल दूंगी और इसे भी रोस्ट कर लूंगी। इन्हें रोस्ट करने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी 8 से 10 किशमिश। फ्रेंड्स, किशमिश जो है गरम घी में डालते ही कुछ ही सेकंड में फूल जाती है, इसलिए इसको हम सबसे लास्ट में डाल देंगे। इन सबको रोस्ट करने के बाद अब मैं इन सबको एक बोल में निकाल लूंगी। अब चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट स्टेप की ओर। यहाँ मैंने गैस पर एक बर्तन रख दिया है। अब मैं इसमें भीगे हुए चावलों का पानी निकाल कर इसमें डाल दूंगी और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 लीटर दूध और इसे अच्छे से चला देंगे। फ्रेंड्स, 10 मिनट में ही हमारी खीर तैयार हो जाएगी। अब हम इसे ढककर पकाएंगे और बीच बीच में फ्रेंड्स चलाते रहेंगे। से 12 मिनट हो चुके हैं। आइए अब हम अपनी खीर को चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी गाढ़ी क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी खीर तैयार हो गई है। अब मैं इसमें डाल दूंगी 1 कटोरी चीनी। फ्रेंड्स, जितने हमने चावल लिए थे चीनी भी हम उतनी ही यूज करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं। इन्हें भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हमारी चीनी का पानी इसमें सूख जाए। अब मैं इसमें अपने डाल दूंगी सारे रोस्ट किए हुए सारे ड्राई फ्रूट। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसमें पकने देंगे। फ्रेंड्स, क्रंची टेस्ट वाली व्रत की खीर हमारी बनकर एकदम रेडी है। आइए इसकी अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? अच्छी लगी है ना? अगर अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।